सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। राजन सीरीज और पवन सीरीज के हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं, चाहे वो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हो, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हो, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हो या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस हो। दोस्तों अगर आप लोगों को इसके अलावा भी नोट चाहिए तो आप लोग हमसे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आज यहाँ पर हम पवन सीरीज के जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं आपके फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, और यहाँ पर आप लोग हर क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और हर क्वेश्चंस को हम डिस्क्राइब करके अच्छे से आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है, यह परिभाषा दी है। दोस्तों यह जो कथन है यह किसके द्वारा कहा गया है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, अ ब्लूम, ब भारतीय शिक्षा आयोग, स बेसले और द गैरेट। दोस्तों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर वो है स बेसले। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ई बी बेसले के अनुसार मूल्यांकन एक डैश प्रक्रिया है, यहाँ पर आपको भरना है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस हैं, अ सतत, ब महत्वपूर्ण, स व्यापक और द प्राचीन। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है इनके अनुसार, ई बी बेसले के अनुसार, वो है मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यांकन ऑप्शंस हैं, अ उद्देश्य केंद्रित होता है, ब और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है, स एक व्यवस्थित पद्धति है और द उपरोक्त सभी सत्य। तो यहाँ पर दोस्तों जो मूल्यांकन है वह उद्देश्य केंद्रित भी होता है और मूल्यांकन का उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध भी होता है और यह एक व्यवस्थित पद्धति होती है, तो इसीलिए यहाँ पर अ ब स तीनों सही है, तो इसीलिए उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? तो दोस्तों मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मापन पूर्णतः होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस हैं, अ वस्तुनिष्ठ, ब व्यक्तिनिष्ठ, स अनिश्चित और द उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन जो है वो मापन पूर्णतः अनिश्चित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों ये कथन है रैमर्स एवं एंड गेज का। ठीक है, यानी कि रैमर्स एंड गेज ने इस कथन को कहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया दोस्तों, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ऑप्शन है अ शैक्षिक उद्देश्य, ब अधिगम अनुभव, स व्यवहार परिवर्तन और द उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द जो है उपरोक्त सभी वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मापन की भूमिका है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, स है नियमानुसार संख्या प्रदान करना और द है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मापन की जो प्रमुख भूमिका होती है वो होती है संख्या प्रदान करना। ठीक है, किसी चीज को एक संख्या देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ ब स ये तीनों सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर द जो है उपरोक्त सभी वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महेश ने गणित विषय की परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों जहां पर अंक या संख्या की बात होगी वहां पर मापन की बात होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अ परीक्षण, ब मापन, स मूल्यांकन और द उपलब्धि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब जो है मापन वो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मापन का उपयोग किया जाता है, मापन का क्या उपयोग है? तो यहाँ पर देखिए, अ उद्देश्यों के बनाने में, ब छात्रों के चयन में, फिर है दोस्तों यहाँ पर स लिखना चाहिए था, स जो है वो शैक्षिक विधि के चयन में और द है छात्र का परिमाणात्मक मूल्यांकन निर्धारण में। तो जो मापन होता है दोस्तों उसका क्या उपयोग होता है? छात्र का परिमाणात्मक मूल्य निर्धारण में। ऑप्शन नंबर द जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसका कथन है दोस्तों? तो ये कथन है एनसीईआरटी का कथन है। ठीक है,
जो एनसीईआरटी है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो मूल्यांकन होता है उसका एक शैक्षिक उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन नंबर आ सही है। सीखने के अनुभव में भी मूल्यांकन प्रमुख भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर द जो है व्यवहारिक परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन लाना भी मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आ ब और द है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सात जो है छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, ये यहाँ पर सही नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सात जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निकस संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई। तो ऑप्शन है रॉबर्ट ग्लेसर, थांडाइक, गिलफोर्ड और ग्रोनो लुंड। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर आ जो है रॉबर्ट ग्लेसर, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा निकस संदर्भित मापन की अवधारणा प्रस्तुत की गई सबसे पहले। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है, यह कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, और यह कथन है कोठारी कमीशन का, यानी कि ऑप्शन नंबर आ जो है आपका कोठारी कमीशन, वो बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है, ठीक है। दोस्तों यह कथन किसका है, तो दोस्तों ये कथन है रैमर्स एवं गैस का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बा जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, मूल्यांकन अनुरूप है, ऑप्शंस हैं उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के, सिद्धांतों के। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सा है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि विधि के। क्वेश्चन नंबर 17 है, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आ है चार वर्गों में, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है, ऑप्शंस हैं घटनाओं का ज्ञान, प्रतिक्रिया करना, चरित्रीकरण या स्वाभाविकरण करना। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर द जो है स्वाभाविकरण करना, वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा दी है दोस्तों, ये परिभाषा दी है डांडेकर ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। दोस्तों जो मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग, शैक्षिक उद्देश्य ये भी होता है, व्यवहारिक परिवर्तन ये भी होता है, सीखने के अनुभव ये भी होता है, लेकिन छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर द जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पूछा है मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, कक्षा के मापन में प्रयोग की जाती है। दोस्तों कक्षा के मापन में प्रयोग की जाती है नामित मापिनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ब। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों की दृष्टि से उत्तम है अथवा वांछनीय है, उसको मानकर चला जाता है, यह कथन किसका है, रैमर्स का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बा जो है वो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, जिस परीक्षण में से शिक्षार्थी को किसी विषय या अनेक विषयों में कठिनाई ज्ञात की जा सकती है उसे कहते हैं। दोस्तों अगर कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है तो उसकी कमजोरी का कैसे पता लगा, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा बच्चा विज्ञान में कमजोर है या कौन सा बच्चा गणित में, किस सब्जेक्ट में कौन सा बच्चा कमजोर है, इसका पता लगाना ही क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है, ठीक है। किसी भी बच्चे का किसी सब्जेक्ट में कमजोरी का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक अच्छे परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण आवश्यक हैं। ऑप्शन है
परीक्षण में किसी उत्तर पर मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा समान अंक प्रदान किए जाते हैं तथा अंक प्रदान करते समय मूल्यांकनकर्ता अपनी व्यक्तिगत रुचि अथवा घटनाओं से प्रभावित नहीं होता है। फिर है परीक्षण उन्हीं गुणों का मापन करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। फिर है परीक्षण के बार बार प्रयोग करने से प्राप्त परिणामों या अंकों में संगति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर द है उपरोक्त सभी गुण। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छे परीक्षण के लिए ये सभी गुण आवश्यक है, यानी कि आ बा सा तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर द जो है बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है भौतिक मापन है। दोस्तों भौतिक मापन जो होता है यहाँ पर देखिए वो होता है स्थिर, तो ऑप्शन नंबर बा जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों मापन में स्व मानक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो दोस्तों मापन में स्व मानक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रेमंड कैटेल ने किया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है समान इकाई मापन है। दोस्तों समान इकाई मापन को हम कहते हैं अंतराल मापनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बा जो है बिल्कुल सही है और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिमाणों की पुष्टि संबंधित है व्यवहार परिवर्तन से शिक्षण उद्देश्य से अनुभवों से। दोस्तों यहाँ पर जो परिमाणों की पुष्टि संबंधित है वो इन सभी से संबंधित है, ठीक है, चाहे आपके व्यवहार में परिवर्तन हो या शिक्षण उद्देश्य या फिर अनुभव, इन सभी में जो इन सभी से क्या है मूल्यांकन संबंधित है, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर द है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर द जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 है दक्षता आधारित मूल्यांकन है। ऑप्शंस हैं सतत मूल्यांकन व व्यापक मूल्यांकन या स आ और ब दोनों, तो ऑप्शन नंबर सा जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 कक्षोन्नति का प्रमुख साधन है। ऑप्शंस हैं मासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा या सभी। तो दोस्तों जो आप एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हो आप एनुअल एग्जाम पास करके जाते हैं, यानी कि वार्षिक परीक्षा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बा जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है। दोस्तों सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 10 भागों में विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर द जो है वो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं छात्रों के व्यक्तित्व संबंधी पक्ष हैं। दोस्तों छात्रों के व्यक्तित्व संबंधी 10 पक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर बा जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं हैं। दोस्तों पाठ्यक्रम का मतलब होता है आपके पढ़ाई लिखाई की जो आपका सब्जेक्ट है, इसके अलावा जो आप खेल कूद करते हैं या जो वाद विवाद प्रतियोगिता होती है या जो आप चाहे आपका किसी भी प्रकार का खेल हो, आप चाहे बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, बैट बॉल हो, स्विमिंग हो, तो ये सभी पाठ्यक्रम में आ जाते हैं, यानी कि इन पूरे को मिला के आपका करिकुलम बनता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर द जो है वो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है। ऑप्शंस हैं आ सार्थक ज्ञान के लिए, ब निरर्थक ज्ञान के लिए और स आ और ब दोनों। दोस्तों सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है सार्थक ज्ञान के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर आ जो है वो बिल्कुल सही है। छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं। छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं दोस्तों पहाड़े, गिनती, कविता, ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर द जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है। दोस्तों प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को प्री आरएस परीक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है ज्ञानात्मक पक्ष है ज्ञान बोध अनुप्रयोग अ और ब दोनों, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सा है अ और ब दोनों वो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है मूल्यांकन का क्षेत्र है। दोस्तों मूल्यांकन का क्षेत्र सरल, छोटा, व्यापक या इनमें से कोई नहीं, तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है, तो ऑप्शन नंबर सा जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है ज्ञान तत्व का विस्तार है। दोस्तों ज्ञान तत्व का विस्तार है अनंत, यानी कि ज्ञान जो होता है वो अनंत होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मान्यताएं, चारित्रिक गुण, अभिवृत्तियां, यानी कि ये सब भावात्मक पक्ष में शामिल किए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर द जो है ये सभी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है कौशल की कुशलता को किसने
कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ पर भरना है आपको चार भागों में, ठीक है। ऑप्शन जो इसका स है वो बिल्कुल सही है। कौशल की कुशलता को चार भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मूल्यांकन का अर्थ है, दोस्तों मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? बुद्धि का मापन, स्वास्थ्य की जांच, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच, या द ये सभी। दोस्तों मूल्यांकन का जो अर्थ होता है वो होता है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 43, बोध का आधार होता है, दोस्तों अत्यंत सूक्ष्म, गहरा, अलौकिक, या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर द जो है ये सभी वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया है? दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ब है, तीन, वो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं में निरीक्षण मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बा जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 का प्रश्नावली सूची संबंधित है, दोस्तों प्रश्नावली सूची संबंधित है परिपरीक्षा आकार से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आ जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रश्नावली होती है, ऑप्शंस हैं दो प्रकार की, तीन प्रकार की, चार प्रकार की और पांच प्रकार की। तो जो प्रश्नावली होती है वो चार प्रकार की होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सात जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ नहीं में उत्तर देता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ब है प्रतिबंधित, वो बिल्कुल सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, साक्षात्कार संबंधित है, ऑप्शंस हैं प्रश्नावली से, स अनुसूची से, चिन्हांकन सूची से, या प्राप्तांक पत्र से। दोस्तों जो साक्षात्कार संबंधित होता है वो होता है अनुसूची से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है सामूहिक गुणों को जानने के लिए या व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए। दोस्तों इन दोनों को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सात जो है वो बिल्कुल सही है। निर्धारण मापनी है, दोस्तों निर्धारण मापनी है एक ध्रुवी, द्विध्रुवी, त्रिध्रुवी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो निर्धारण मापनी होती है वो द्विध्रुवी होती है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं, दोस्तों गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं निर्धारण सूची, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, अशाब्दिक निर्धारण मापनी है, अशाब्दिक निर्धारण मापनी दोस्तों होती है एक आत्मनिर्धारण विधि, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर द है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है, ऑप्शन है निर्णायक, विषयी, सातत्व या ये सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बा है विषयी, वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों, अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है, तो दोस्तों अवलोकन प्रणाली का मूल आधार होता है वैज्ञानिक, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आ जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 है, यहाँ पर पूर्व निश्चित आधार है, ऑप्शंस हैं व्यापकता, मानक, वस्तुनिष्ठता या ये सभी। तो दोस्तों पूर्व निश्चित आधार है मानक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं, उत्तम परीक्षण में दोस्तों वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता ये सभी होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर द जो है ये सभी वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है, दोस्तों शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं, मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है, किस चीज के स्तर को हम ज्ञात करते हैं? छात्र के अधिगम स्तर को, छात्र ने कितना सीखा, किस तरीके से उसका मानसिक विकास हुआ, किस तरीके से उसको विषय समझ में आया, या जो भी चीजें उसको सिखाई गई उसका छात्र का अधिगम का सीखने का स्तर क्या है, उसको कितनी चीजें समझ में आई। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सा है यहाँ पर वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों, मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है, मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है वैध, ठीक है, वैध कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आ जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, परीक्षण, पुनः परीक्षण, अर्ध विच्छेदन, मानक त्रुटि और समांतर प्रारूप विधि। तो यहाँ पर जो मानक त्रुटि है वो विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 62 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो दोस्तों यह परिभाषा दी गई है क्रॉनबैक के द्वारा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? दोस्तों अच्छे परीक्षण में विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, व्यवहारिकता होती है, लेकिन जो यहाँ पर संक्षिप्तता दिया है यह नहीं होती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं, जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है तो वह परीक्षण कहा जाता है, तो वह परीक्षण दोस्तों कहा जाता है वैध, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 है, कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है गिलफोर्ड का, यह कथन कहा गया था गिलफोर्ड के द्वारा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, पुनर्बलन की विधियां हैं। दोस्तों पुनर्बलन, सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन, मासिक मूल्यांकन में पुनर्बलन। दोस्तों पुनर्बलन आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई बच्चा क्लास में अच्छा कार्य करता है, क्लास में फर्स्ट आया या किसी प्रतियोगिता में फर्स्ट आया, तो टीचर के द्वारा उसको क्या दिया जाता है, शाबाशी दी जाती है, तो उसी शाबाशी को क्या कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं। तो दोस्तों पुनर्बलन की विधियां, सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन और मासिक मूल्यांकन में पुनर्बलन, तो ये दोनों आती हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अभी क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, अभिलेख एक प्रकार का होता है। दोस्तों अभिलेखों का मतलब आप सभी लोग समझते होंगे, आप सभी लोगों ने ट्रेनिंग की है जा करके प्राइमरी स्कूलों में, आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, अभी अभी आप लोग ट्रेनिंग करके आए होंगे, तो आप सभी को पता होगा कि विद्यालय में विभिन्न प्रकार के अभिलेख होते हैं, जैसे कि छात्र उपस्थिति रजिस्टर, शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर जिसमें शिक्षक साइन बनाते हैं रोज की, इसके अलावा मिड डे मील का रजिस्टर, और भी बहुत सारे रजिस्टर होते हैं स्कूलों में। तो दोस्तों जो रजिस्टर्स होते हैं उन्हीं को हम अभिलेख बोलते हैं, और उनका काम कब आता है, कोई स्कूल में चेकिंग करने आ गया, कुछ भी करने आ गया, कितने बच्चे हैं स्कूल में, क्या है, तो अभिलेखों के माध्यम से ही दिखाया जाता है। तो यहाँ पर वही पूछा है कि अभिलेख एक प्रकार का होता है, तो क्या होता है, साक्ष्य होता है, आपके पास एक प्रूफ होता है, ठीक है। तो प्रूफ की वजह, प्रूफ की एक तरीके से इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रूफ ही कहेंगे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, अभिलेख एक प्रकार का साक्ष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार हैं। दोस्तों परीक्षण जो है वो दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के चार पक्ष होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 12 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 है, दोस्तों निदानात्मक परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? दोस्तों निदानात्मक परीक्षण आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी बच्चे की कमियों को निकालना, या बच्चा किस सब्जेक्ट में कमजोर है उसकी कमियों का पता लगाना, उसकी क्या कठिनाइयां हैं उनका पता लगाना ही क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से उसके गुण है, इसमें हमको ढूंढना है कौन सा उसका निदानात्मक परीक्षण का गुण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इसके आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण विधि का विश्लेषण कर सकता है, ये सही है। और उसके बाद सा देखिए, यहाँ पर इसके प्रयोग से शिक्षण एवं मूल्यांकन में गतिशीलता बनी रहती है, बिल्कुल सही। अगर हम बच्चे की कमियों को ढूंढकर उसको सही करेंगे तो गतिशीलता बनी रहेगी। इसके अलावा इसके द्वारा मानसिक एवं शैक्षिक दुर्बलताओं का पता लगा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर तो सबसे ब ऑप्शन है, इसके द्वारा उद्देश्यहीन हो जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि इससे क्या उद्देश्य आप बच्चे के क्लियर होते हैं, उसको उसकी जो कमियां होती हैं टीचर उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 12 जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण सत्र निर्माण के लिए प्रथम सोपान कौन सा है? आ है एक छात्र का चुनाव, ब है परिकल्पना करना, स है पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, और द है समस्या का निर्धारण। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 7 है, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण,
ये बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं दोस्तों। 72 देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हम लोग आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का राजन सीरीज के सारे सब्जेक्ट में जितने भी बहुविकल्पीय हैं, अति लघु उत्तरीय हैं, लघु उत्तरीय हैं, दीर्घ उत्तरीय, हमने सभी को सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों पवन सीरीज में भी हमने सारे सब्जेक्ट के बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपको सॉल्व बिल्कुल अवेलेबल करवा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप में से किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डीएलएड ही नहीं पढ़ा रहे हैं, डीएलएड के अलावा आप लोगों को यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग, आप लोग जो भी स्कूलों में टीचिंग करने जाते हैं उसके डीएलएड से संबंधित फाइल भी आपको मिलेगी, हर सब्जेक्ट का आपको पूरा नोट्स भी यहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं और आपको यूपीटेट और सीटेट की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। दोस्तों प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बहुत ही काम आने वाला है ये चैनल। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। अब दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 है, आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं, यह कथन है। दोस्तों यह कथन है स्किनर का, ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में कौन नहीं है। दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में यहाँ पर देखिए वाचन, लेखन, निरीक्षण ये सभी हैं, लेकिन अंक गणित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द सर्वप्रथम दिया गया था। दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान शब्द सर्वप्रथम दिया गया था कॉलियर तथा लुविन ने, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बा जो है वो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, क्रियात्मक अनुसंधान को कहा जाता है, दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान को कहा जाता है सीखने का तरीका। क्रियात्मक अनुसंधान दोस्तों होता क्या है, अपने ही विद्यालय में किसी समस्या को, अपने विद्यालय की ही किसी समस्या को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से उस समस्या को समझना, फिर परिकल्पना करना, फिर उसको सॉल्व करना एक क्रमबद्ध तरीके से। तो उससे क्या होता है, उससे बहुत कुछ चीजें बच्चे सीखते हैं, शिक्षक तो सीखते ही है, क्योंकि शिक्षक के द्वारा ही यह कार्य किया जाता है, जिससे कि वहां पर जो भी समस्याएं हो विद्यालय में उसको अपने ही कर्मचारियों के द्वारा उसको दूर कर लेना है, ठीक है, इसी यही होता है क्रियात्मक अनुसंधान। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, शिक्षा अनुसंधान के आयाम है, अनुदैर्ध्य आयाम, अनुप्रस्थ आयाम, तो दोनों ये दोनों दोस्तों शिक्षा अनुसंधान के आयाम है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है शिक्षण सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु, उपरोक्त सभी, तो द जो ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त सभी ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, क्रियात्मक अनुसंधान उत्पन्न करता है भावात्मक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कलात्मक दृष्टिकोण या संवेगात्मक दृष्टिकोण। दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान एक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, क्योंकि यह हमारे विद्यालय की किसी भी समस्या को हल करने के लिए एक वैज्ञानिक सोच होती है, ठीक है, इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, सर्व शिक्षा अभियान को क्रियान्वयन करने में सहायक है। दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान को क्रियान्वयन करने में क्रियात्मक शोध बहुत ही बड़ी भूमिका निभा सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आ जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम शैक्षिक कार्यक्रम पर प्रभाव डालते हैं, तो ये क्या डालते हैं दोस्तों, शैक्षिक कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है समस्या को सुलझाया जाता है, ठीक है, तो उसका प्रत्यक्ष रूप से सब पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, क्रियात्मक अनुसंधान एक सीखने का तरीका है, किसने कहा है, तो दोस्तों ये कहा गया है स्टीफन एवं कोरे के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, शैक्षिक कार्यक्रम के उत्थान में कल्पनाशील युक्ति है। दोस्तों शैक्षिक कार्यक्रमों के उत्थान में जो क्रियात्मक अनुसंधान है एक कल्पनाशील युक्ति है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बा जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से शिक्षा के नूतन आयाम का भाग नहीं है, सतत शिक्षा, अध्यापकों का वेतनमान का पुनर्निर्माण, जनसंख्या शिक्षा या पर्यावरणीय शिक्षा। दोस्तों यहाँ पर जो अध्यापकों का वेतनमान एवं पुनर्निर्माण है ये नूतन आयाम का भाग नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बा जो है बिल्कुल सही है। कौन सी प्रवृत्ति नई नहीं है, क्वेश्चन नंबर 84 दोस्तों देखिए, कौन सी प्रवृत्ति नई नहीं है, आशावादी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 85 है, नवाचार का अर्थ है वह परिवर्तन जो नवीनता लाए,
यह वाक्य किसने दिया है दोस्तों? ये वाक्य कहा गया है योगेंद्र जीत जी के द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति विचार के रूप में करे, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है रोजर्स का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आ जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 87 दोस्तों, निम्न में से नवाचार की कौन सी विशेषताएं हैं? दोस्तों नवाचार का यही मतलब होता है कि आप शिक्षण में नवीनता लाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जिससे नया समझा जाता है, प्रयास पूर्ण किया जाने वाला कार्य है, स है वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयत्न है, द है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, नवाचार की सफलता के मूल्यांकन के विषय में निम्न विचार किस विद्वान के हैं? किसी नवाचार के द्वारा अर्जित कौशलों का प्रयोग आगे आने वाले नवाचारों में भी किया जाता है? दोस्तों यह कथन है ए बी माइल्स का, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं, शैक्षिक नवाचार अथवा शैक्षिक नवीन विधाओं को जानने के स्रोत हैं? दोस्तों शिक्षा संबंधी पत्रिकाएं, शिक्षा प्रचार प्रसार सेवा विभाग, शोध पत्रिकाएं या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो उपरोक्त सभी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों साइकोलॉजिकल टेस्टिंग लेखक हैं अनास्तसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर द जो है वो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किसने दिया है? दोस्तों यह परिभाषा दी गई है डांडेकर जी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बा जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसा मापन जो किसी व्यक्ति के गुण की सापेक्ष स्थिति का वर्णन उससे संबंधित समूह के संदर्भ में करता है उसे कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं मानक संदर्भित मापन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, जब सीखने वाले छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर शिक्षण के उद्देश्यों या विषय सामग्री के रूप में पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है तो इस प्रकार के परीक्षण को कहते हैं? दोस्तों तो इस प्रकार के परीक्षण को कहा जाता है निकट संदर्भित परीक्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन प्रेक्षण तकनीक है? दोस्तों प्रेक्षण तकनीकी है यहाँ पर आपकी श्रेणी मापनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सात जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, चाहे वाक्य पूर्ति परीक्षण हो, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण हो या शब्द साहचर्य परीक्षण हो, ये सब व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकियां हैं, लेकिन जो प्रश्नावली विधि है यह प्रक्षेपी तकनीकी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बा जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। अब हम 96 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन परीक्षण नहीं है? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, ये सब परीक्षण है लेकिन प्रेक्षण परीक्षण नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सा जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित नहीं है? दोस्तों ज्ञान अनुप्रयोग विश्लेषण ये सब क्या है? ज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन चारित्रीकरण जो है वो ज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। द ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 है, अभिक्षमता वह वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है, इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किसने दिया? दोस्तों ये परिभाषा दी गई है ट्रेक्सलर के द्वारा, ठीक है। फिर है 99 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभिक्षमता परीक्षण नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, मिनिसोटा लिपिक परीक्षण, थर्सटन प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण, विनेट का यांत्रिक संबोध परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण जो है ये अभिक्षमता परीक्षण नहीं है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सात जो है बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य प्रयोजन होता है? दोस्तों निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि छात्र का जो विषयगत कमजोरी है, किसी विषय में कमजोर है तो उस कमजोरियों का पता लगाना, तो जो ऑप्शन नंबर आ है वो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? बहुविकल्पीय प्रश्न,
एकांतर पद, लघु उत्तरीय प्रश्न, मिलान पद। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर स है, लघु उत्तरीय प्रश्न, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें तो आंसर आपको लिखना होता है। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102 पे पहुंचने से पहले मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने राजन सीरीज और पवन सीरीज पूरा सॉल्व करवाया है आप लोगों के सभी सब्जेक्ट का, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं का लाभ हो सके। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सोपान पदक्रम नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, परीक्षण का प्रशासन करना, परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना, परीक्षण का मूल्यांकन करना, ये बहुत सादा, ये तीनों क्या है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के सोपान है। लेकिन परीक्षण का प्रशासन करना, ये इसका उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सोपान नहीं है, ठीक है? इसलिए ऑप्शन नंबर आ जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।